गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे करेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी और एनकोडिंग स्किल्स, जो कि होती हैं बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, एस्काई, यूनिकोड। ये सब क्या होता है, बहुत इजी मैनर में आज इस टॉपिक को हम देखेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल स्टूडेंट्स, स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जनरली इस टॉपिक को बहुत से पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स हर टॉपिक को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसे जरूर कर ले। देखते हैं टॉपिक करैक्टर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, यानी करैक्टर को हम मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं। ऑल द इनपुट डेटा गिवन टू द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। तो हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो स्टोर होती है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। इन जनरल 26 अपर केस लेटर्स, 26 लोअर केस लेटर्स, 0 टू 9 डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर्स आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर विच इज कॉल्ड करेक्टर सेट। तो हम जो इनपुट में देते हैं वो क्या होता है, या तो हम अपर केस लेटर्स यूज करते हैं दैट इज ए टू जेड, या लोअर केस लेटर्स दैट इज स्मॉल ए टू जेड, या फिर 0 टू 9 डिजिट्स देते हैं, या फिर स्पेशल करेक्टर्स देते हैं कंप्यूटर को एज द इनपुट। और यही होता है करेक्टर सेट में। ऑल दिस करेक्टर सेट आर डिनोटेड थ्रू नंबर्स। तो ये जो करेक्टर सेट होता है इसमें सभी के सभी करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर से। जैसे स्मॉल ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 65 नंबर से, बी को रिप्रेजेंट किया जाता है 66 से, और इसी तरीके से जेड तक रिप्रेजेंटेशन रहती है 90 तक, 90 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है जेड को। स्मॉल ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 97 से, स्मॉल बी को रिप्रेजेंट किया जाता है 98 से, और इसी तरीके से होते होते स्मॉल जेड को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 122 से। तो इस तरीके से हर एक करेक्टर को जो है उसके कोरिस्पोंडिंग नंबर्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पेस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 32 से, ये जो कॉलम्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 33 से। तो इसी तरीके से हमारे जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनके कोरिस्पोंडिंग हमारे कोई ना कोई नंबर्स रहते हैं, ठीक है। ऑल करेक्टर्स इन द करेक्टर सेट्स नीड्स अ कॉमन एनकोडिंग सिस्टम। तो ये जो करेक्टर सेट के अंदर जितने भी करेक्टर्स रहते हैं, ये सब करेक्टर्स, इनको एक कॉमन एनकोडिंग सिस्टम चाहिए होता है। अब एनकोडिंग सिस्टम क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज एनकोडिंग सिस्टम। तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, उस लैंग्वेज से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है डेटा को ताकि कंप्यूटर को समझ में आए, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एनकोडिंग सिस्टम, जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है। नाउ वी सी देर आर सेवरल एनकोडिंग सिस्टम यूज फॉर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारे एनकोडिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। दे आर बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईबीसीडीआईसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड दैट इज यूनिवर्सल कोड। अब देखते हैं वन बाय वन करके इन सारे एनकोडिंग सिस्टम्स को। फर्स्ट एनकोडिंग सिस्टम इज बीसीडी दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। दिस एनकोडेड सिस्टम इज नॉट इन द प्रैक्टिस नाउ। ये एनकोडेड सिस्टम अभी प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि ये 6 बिट एनकोडिंग सिस्टम है, और जितना भी बिट होता है उतना 2 की पावर 6 अगर हम कर दें दैट इज 64 करेक्टर्स, तो इतने ही करेक्टर को ये हैंडल कर पाता है, और ये बहुत लिमिटेड करेक्टर्स हैं। इसीलिए हम इस एनकोडेड सिस्टम को ज्यादा यूज नहीं करते। अब देखते हैं नेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम दैट इज एस्काई। दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत ही पॉपुलर एनकोडिंग सिस्टम है, इसको हम जनरली यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम, ज्यादातर कंप्यूटर इसी सिस्टम को यूज करते हैं। दिस एनकोडिंग सिस्टम कैन हैंडल इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज ओनली। तो ये जो एनकोडिंग सिस्टम है ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी हैंडल करता है और यूरोपियन लैंग्वेज को भी हैंडल करता है, इनके सारे करेक्टर्स को ये हैंडल करता है। दिस इज 7-bit कोड, ये 7-bit कोड है, और अभी जो न्यू वर्जन में है वो 8-bit कोड भी इसका आ चुका है। दिस कैन हैंडल 2 की पावर 7 बिट। तो जितने भी बिट्स होते हैं उतना 2 की पावर में हम लेंगे, एंड देन जो करेक्टर्स आएंगे, जैसे 2 की पावर 7 बिट्स विच मीन्स 128, तो 128 आया, तो इतने 128 करेक्टर्स को ये हैंडल कर सकते हैं। इट्स न्यू एडिशन, जो इसका न्यू एडिशन है वो हैंडल कर सकता है 2 की पावर 8 बिट को, जो कि होते हैं 256 करेक्टर्स। तो ये ज्यादा करेक्टर्स को ये इजिली हैंडल कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम ईच करेक्टर हैज एन इंडिविजुअल
नंबर। अब हर करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल नंबर होता है। व्हेन ए की ऑन द कीबोर्ड इज प्रेस्ड, जब आप कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं, इट इज इंटरनली मैप्ड टू अ यूनिक कोड। जैसे आपने प्रेस किया ए, तो इंटरनली ये मैप होता है एक यूनिक कोड में, जिसका कोरस्पॉन्डिंग जो भी यूनिक नंबर है वो मैप किया जाता है, दैट इज फर्दर कन्वर्टेड टू बाइनरी। फिर ये फर्दर जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी के अंदर, एंड इट्स बाइनरी इज 100001। तो ये तो होता है 7 बिट के अंदर, और अगर ये 8 बिट सिस्टम होता तो ये नंबर होता 010001। ठीक है, ये होता 8 बिट के अंदर बाइनरी कन्वर्जन ASCII का, ये था 7 बिट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ASCII सिस्टम। नेक्स्ट वी सी EBCDIC सिस्टम, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दिस इज फॉर्मुलेटेड बाई IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसको फॉर्मुलेट किया है, और ये भी ASCII कोड के जैसा ही है। इसकी भी 8-bit रिप्रेजेंटेशन रहती है, और इट कैन हैंडल 2 की पावर 8 bit, विच मीन्स 256 करेक्टर्स। तो 256 करेक्टर्स को ही ये भी हैंडल कर लेता है। द इनपुट कोड इन ASCII कैन बी कन्वर्टेड टू EBCDIC सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो ASCII का जो इनपुट कोड है उसको हम EBCDIC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और EBCDIC को ASCII में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट कोड, दैट इज यूनिकोड, इट इज यूनिवर्सल कोड। दिस कोडिंग सिस्टम इज यूज इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये वो सिस्टम है जिसको हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमनली यही कोडिंग सिस्टम यूज होता है। आफ्टर ASCII इट इज पॉपुलर कोडिंग सिस्टम, बहुत ही पॉपुलर कोडिंग सिस्टम है ASCII के बाद ये। ASCII हैंडल्स ओनली इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज। ASCII की लिमिटेशन थी, वो सिर्फ इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेज को ही हैंडल कर पा रहा था, पर अब यूनिकोड जो कि यूनिवर्सल कोड है, और ये सारी यूनिवर्सल लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है। यूनिकोड वॉज जनरेटेड टू हैंडल ऑल द यूनिवर्सल लैंग्वेजेस। तो ये सारी यूनिवर्सल लैंग्वेजेस को हैंडल करने के लिए यूनिकोड को डेवलप किया गया है। कॉमनली यूज एनकोडिंग्स ऑफ यूनिकोड आर UTF-8, UTF-16, UTF-32। ये तीनों एनकोडिंग सिस्टम हमारे यूनिवर्सल कोड के ही है। ये 8 बिट को हैंडल करता है, ये 16 बिट को हैंडल करता है, और ये 32 बिट को हैंडल करता है। इसी तरीके से 2 की पावर 8 यानी इतने करेक्टर्स को, यानी 256 करेक्टर को ये वाला हैंडल कर लेता है, 2 की पावर 16 को ये वाला हैंडल करता है, और 2 की पावर 32 को ये वाला हैंडल कर लेता है। तो ये जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर्स को हैंडल कर लेता है। जनरली इट यूजेस 16-bit कोड, तो जनरली तो इस बिट कोड को यूज किया जाता है, दैट कैन हैंडल 65536 करेक्टर, यानी 65536 करेक्टर्स को ये स्टोर कर हैंडल कर लेता है यूनिकोड। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मतलब 16-bit जनरली यूज होता है, बट 32-bit को भी यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एनकोडिंग सिस्टम्स और करेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। तो स्टूडेंट, हर टॉपिक को बहुत ईजी करके लाया जा रहा है, विद नोट्स लाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें, लाइक शेयर भी से जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।